सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों तक वीडियोस नहीं डाल पाया अपने चैनल पर, क्योंकि यार मैं YouTube से थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहा था और घर पे मैंने बहुत सारे नए नए चीज़ें प्रैक्टिस भी किया है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे वो सब देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इस दोनों कलर का मैं दंगल लड़वाऊंगा, देख सकते हो आप लोग, एक है क्रेयॉन्स और एक है ऑयल पेस्टल। और दोस्तों इस दोनों कलर का यूज़ करके मैं एक ड्रॉइंग को बनाऊंगा, तो वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले हर वीडियो सब लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कलर आप लोग देख सकते हो, ये वाला है वैक्स क्रेयॉन, इसका प्राइस है सिर्फ 10 रुपए, और ये है वेल पेस्टल, इसका प्राइस है 35 रुपए। क्रेयॉन्स को दोस्तों यूज करूंगा लेफ्ट साइड पे और ऑयल पेस्टल को यूज करूंगा राइट साइड पे। तो दोस्तों 10 रुपये वाले क्रेयॉन्स का मैंने यूज़ किया है और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कलर को दोस्तों आप लोग देख सकते हो और मेरा हाथ का साइज़ आप लोग देख सकते हो, तो इस कलर को पकड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोगों का हाथ अगर छोटा है तो आप लोग इजीली इससे ड्राइंग्स को बना सकते हैं और इससे आप लोग डार्क पोर्शंस को नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, जितना भी घिसोगे डार्क नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इस कलर का यूज़ करके। लेकिन ऑयल पेस्टल में दोस्तों थोड़ा सा अलग है, मैंने पहले भी ऑयल पेस्टल को किया है, तो चलो दोस्तों मैं अभी दिखाता हूँ ऑयल पेस्टल से किस तरीके का ड्राइंग बनता है। तो ये है दोस्तों ऑयल पेस्टल और इस कलर पे भी 12 शेड्स है और ये वाला कलर इजीली दुकान पर मिल जाती है। Jump, jump, jump.
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों मैं कलर के बारे में बात करूं तो ये दोनों कलर जो है अपने अपने जगह पे बेस्ट है। इसका जो प्राइस है दोस्तों देख सकते हो 10 रुपए और इसका प्राइस है 35 रुपए। और दोनों कलर का मेटेरियल भी अलग है। ये वाला कलर जो है दोस्तों हार्ड है और ऑयल पेस्टल जो है सॉफ्ट होता है, लेकिन ऑयल पेस्टल से आप लोग जितना ज्यादा कलर को डार्क कर सकते हो उतना ज्यादा आप लोग इससे नहीं कर सकते। लेकिन इस कलर का यूज करके आप लोग लाइट पोर्शन को इजिली दे सकते हो। इस कलर का यूज करके आप लोगों को व्हाइट कलर मिक्स करना पड़ता है। तो दोनों कलर का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल को कितने सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो। बस एक क्लिक करना है, नीचे देख सकते हो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके जल्दी से ग्रे कर दो। तो आप लोग दोस्तों ये वाला सिनेमेटिक शॉट एंजॉय कीजिए।